आज का टॉपिक है एयर कंडीशनिंग टनेज, यानी सिंपल से टर्म्स में एसी की टन वैल्यू। एसी की टन वैल्यू, हमने नाम सुना होगा बहुत जगह कि टन। कभी हम एसी खरीदने जाते हैं या एडवर्टीजमेंट्स में या ऐसे भी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि एक टन का एसी, दो टन का एसी, चार टन का या पाँच टन का एसी है, तो उसका मतलब क्या होता है? यानी वो टन वैल्यू जो होती है, जो भी हमारी 1 टन होती है या 1.5 टन या 2 टन, और बड़ा सा हॉल है तो उसके इसमें हम 5 टन तक का भी यूज़ करते हैं, तो वो टन वैल्यू क्या होती है? तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग टन, टन को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि हाँ क्या ये टन वैल्यू जो है ये किसी तरीके से वेट से, केजी से, हवा के भार से अगर जुड़ी हुई है तो उसको भी हम समझते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, 1 टन बराबर 1000 केजी, ये होता है, बिल्कुल होता है। बट ये जो एसी का टन होता है, ये 1000 टन, क्या इसका मतलब ये तो थोड़ी ना हो गया कि 1000 केजी की हवा एसी का फैन हर घंटे या हर एक इंस्टेंट पर हर एक सेकंड भेज रहा है? क्या ऐसा मतलब है कि हाँ 1000 केजी की हवा वो हर सेकंड भेज रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही मिसकंसेप्शन है, ये नहीं है। जबकि इसको हम रिलेट करते हैं एक मैकेनिकल टर्म से 1 टन को, जिसको हम कहते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये बेसिकली एक यूनिट होती है जो कि हीट को नापने का काम करती है, थर्मल एनर्जी को, थर्मल इट मीन्स हीट को ये मेजर करने का काम करती है। अब 1 टन में कितना BTU होता है ये भी समझ लेते हैं। तो ये होता है 12K, इट मीन्स 12000 BTU, मतलब 1 टन में 12000 BTU जो गर्मी है वो हमारी उसके इक्वेलेंट होता है। इट मीन्स कि 1 टन का एसी 12000 BTU की गर्मी को बाहर कर सकता है। ठीक है, ये अभी इतना नहीं समझ में आया होगा, या मैकेनिकल टर्म्स में तो सिंपल सा है कि 12000 BTU को 1 टन की एसी से हम बाहर कर सकते हैं, इतनी हीट। सेम हो गया जैसे हमने 2 टन का एसी यूज़ किया तो हमारा 24000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब हम एक छोटे से एग्जांपल, इनफैक्ट एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं जो कि कभी किसी ज़माने में 18वीं सदी में 18th century में हुई थी। तो एक रिवर है हडसन रिवर, हडसन रिवर है, तो उसका पानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा जम जाता था, फ्रीज हो जाता था। ठीक, अब जब पानी फ्रीज़ हो जाता था तो आसपास के जो घर थे, जो लोग थे, जो वहाँ रहते थे, उनको पानी की भी रिक्वायरमेंट थी। तो अब ये जो फ्रीज़, जो ये बर्फ़ बन चुकी है नदी, इसको, इससे अगर पानी लेना है तो कैसे लेंगे? तो उन लोगों ने कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट करके इस पानी को उबालना शुरू किया, मींस इस बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया, मेल्ट करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि 1 टन की बर्फ़, यानी कि 1 टन में हमारा हो गया 907.2 केजी के आसपास। ठीक है, 1 केजी, रफली 1 केजी या 907.2 केजी के आसपास की आइस जो थी उसको पिघलाने के लिए 24 घंटे उसको 24 घंटे में 907 केजी आइस को पिघलाने के लिए जो उसको एनर्जी या उनको एनर्जी लगी वो थी हमारी 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इट मींस 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जो हीट थी वो टोटल रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए हुई? हमारे आइस के लगभग 1 टन, दैट इज़ 907.2 केजी को पिघला करके और इस पानी में कन्वर्ट करने के लिए, मींस आइस को 1 टन आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना था तो उसके लिए हमें 12000 BTU उसे देना पड़ा। अब यहाँ से एक रफ सा आइडिया लिया, एक छोटा सा उन लोगों ने रिलेशन बना लिया कि 1 टन बराबर 12000 BTU, या सिंपली 1 टन बराबर यही जो हमारा केजी से हम रिलेट करते थे वो चीज़ हो गई। वही चीज़ हमने बाद में एसी में यूज़ कर ली। तो बेसिकली मैकेनिकल टर्म्स में तो 12000 BTU जो आपका है वो हीट आपका 1 टन का एसी निकाल फेंकता है कमरे से। सेम उसी तरीके से अगर जैसे अब क्या है कि कैपेसिटी होती है कमरे की, कैपेसिटी के ऊपर या एसी की कैपेसिटी हमारे कमरे के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। 1 टन का एसी एक इतने बड़े से अगर मकान में हमने या इतने बड़े से कमरे में अगर लगा दिया तो उसकी कूलिंग कुछ होगी। अगर इसी कमरे में, सेम इसी कमरे में, इसी साइज़ के कमरे में हम 2
टन का एसी लगा देते हैं तो 12,000 की जगह इस कमरे से 24,000 बीटीयू वो बाहर निकालेगा। सेम चीज़ें अगर एसी का टनेज बढ़ेगा पर्टिकुलर साइज के कमरे के लिए तो कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स जितने ज़्यादा टन का एसी होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा वो हीट को, उतनी ज़्यादा BTUs को वो बाहर फेंकेगा। इसका रिलेशन किसी भी तरीके से KG के साथ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क जो कि पास्ट में कभी हुआ था, उन लोगों ने यहाँ से एक रिलेशन बनाया कि कुछ 12,000 BTU की हीट जो लगी थी वो हमारे 1 टन के आइस को 0 डिग्री के पानी पर कन्वर्ट होने में, जिसको कि हम यूज़ कर सकें, उसमें लगी थी। इसलिए एक रफ से आइडिया में 1 टन के AC को सिंपली वो कुछ आइस से या कुछ KG से हम रिलेट करने लगे। बाकी एज सच 1 टन का इसके साथ रिलेशन है, ना कि इसके साथ इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग इसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता। अब यहाँ पर जब हम टन की बात कर लिए तो हम लीटर की बात करते हैं। अब हम कहेंगे कि लीटर की बात क्यों कर रहे हैं, तो लीटर की बात बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन जो होता है, जो हमारे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें हमारी कूलिंग कैपेसिटी लीटर्स के हिसाब से होती है, ना कि टन के हिसाब से होती है। वर्क दोनों सेम कर रहे होते हैं। रेफ्रिजरेटर हमारा एक पर्टिकुलर एरिया, एक छोटे से एरिया को कूल कर रहा होता है, बाकी हमारा जो AC होता है एक रूम को कूल कर रहा होता है। दोनों प्रिंसिपल हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, बट क्यों फिर हम रेफ्रिजरेटर में लीटर्स यूज़ करते हैं और हम AC में हमारा टन यूज़ करते हैं? तो उसका सिंपल सा फंडा है कि जब भी कभी हम फ्रिज लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है कि कितना सामान उसके अंदर हम रख सकते हैं, या उसका ओवरऑल जो ग्रॉस वॉल्यूम होता है कि कितना स्पेस इसके अंदर या कितना वॉल्यूम इसके अंदर है, कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यू डिसाइड होती है। किसकी? उसकी वॉटेज की, उसकी पावर की, जो कि इसको या उसके कंप्रेसर की, जो कि इतने पर्टिकुलर एरिया को ठंडा कर पाए। बट कमरे के केस में हमें नहीं पता है कि आज एक आदमी है तो कल 10 आदमी होंगे उसमें। इट मीन्स उसमें हम लीटर की कैपेसिटी के हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हमें, क्योंकि सामान अंदर रखना है तो यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट बने होंगे और ओवरऑल एक फ्रिज का एरिया होगा जिसको कि हमें कूल करना है, तो इस बेसिस पर वो लीटर में डिफाइन होगी उसकी यूनिट जो है। और वहीं अगर AC की बात करेंगे तो वो टन में हमारी डिफाइन होगी। तो रफली एक आइडिया होता है हमारा 1 टन का AC लगभग हमारा 1 किलोवाट के आसपास होता है, 1.5 टन का AC लगभग हमारा 1.5 किलोवाट के आसपास होता है। तो एक ये रफ आइडिया हम ऐसे भी लगा लेते हैं कि ये मैकेनिकल टर्म्स को अगर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग इतना वाट हमारा मिल जाता है। मीन्स जितना यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड था, 1 टन मीन्स 1 किलोवाट, लगभग एक रफ सा आइडिया मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हमारा पावर कंजम्पशन हो रहा है, वो चीज़ भी हम निकाल पाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया। एयर कंडीशनिंग के टनेज के बारे में हमने देखा और रेफ्रिजरेशन से किस तरीके से अलग था, यहाँ पे उसके लीटर से इसका टन कैसे अलग था, ये भी चीज़ें देखी। यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में भी हमने हल्की सी बात की और इससे समझा कि हाँ कितनी यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर कंडीशनिंग टनेज। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू सो मच।